नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन घर बैठे भी एक्टिविटीज की जा सकती है। इसका उदाहरण है मेरठ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं। यहाँ स्टूडेंट्स ने घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए समय का सदुपयोग किया और बांस और मक्के के टॉर्च से अनोखा डायपर तैयार कर दिया। छात्र छात्राओं और गुरु का कहना है कि इस डायपर से पर्यावरण को बहुत लाभ मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने घर बैठी ऐसी संरचनात्मक पहल की है जिसकी आप भी स्वागत करेंगे। आजकल कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। इस कोरोना कर्फ्यू में कई लोग तरह तरह के बहाने ढूंढकर घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में भी लोग हैं जो इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये दूसरों के लिए उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं की, जिन्होंने घर बैठे अपने गुरु से ऑनलाइन मदद लेकर एक अनूठी रिसर्च करके दिखा दी। इंजीनियरिंग के इस छात्र छात्राओं ने अपने गुरु के मार्गदर्शन से इको फ्रेंडली डायपर तैयार कर दिया। आमतौर पर बाजार में उपलब्ध ज्यादातर डायपर बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यानी कि मिट्टी में जाने के बाद आसानी से गलते नहीं हैं। ऐसे में मेरठ में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के शिक्षक और छात्रों ने बांस और मक्के का इस्तेमाल कर पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल डायपर तैयार कर दिया है। दावा है कि इस बायोडिग्रेडेबल डायपर से बच्चों की त्वचा को भी लाभ होगा। दिन प्रतिदिन डायपर की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसके जल्द नष्ट न होने से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में MIET के शिक्षक अनुज सिंह और उनके छात्रों ने इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल डायपर बनाया है। इसमें बांस के फाइबर, सुपर एब्जॉर्बेबल प्लाइमर और मक्के के स्टार्च का इस्तेमाल किया गया है। ये स्टार्च भुट्टे के भीतर सफ़ेद रंग के भाग को सुखाने के बाद उसे पीस कर बनता है। ये डायपर तैयार करने में फिलहाल 5 रुपये का खर्चा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।